तो यहाँ तो सत्व रज और तम तीनों बन रहे हैं। तो जहां अभी बैलेंस नहीं है, प्रमाण नहीं है, वहां सत्व रज में रज तम में और तम सत्य में बदल रहा है। वो अवस्था अनुच्छुन्य अवस्था है, कोई परिणाम वहां नहीं है, कोई गुण भी प्रकट नहीं है। धीरे 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 सत्व रज और तम तीनों गुणों का प्रभाव स्पष्ट होता है। तो ये पहला परिणाम जो आता है उसको सदृश परिणाम कहते हैं। इस अवस्था में ये सारी बात थ्योरेटिकल हो रही है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन ये अवस्था है। ये सब पुरुष देह के ऊपर हो रहा है, सत्व रज और तम। तो प्रकृति का तो रूप सामने आ गया, परिणाम भी सामने है। तो अब यहां प्रकृति को क्या बोलेंगे और पुरुष को क्या बोलेंगे? पुरुष है यहां शिव, इसलिए कहा गया आनंद सूत्र में परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम। इस त्रिभुज के केंद्र बिंदु में परम शिव है, पुरुषोत्तम है। और जो कुछ बना है उसके केंद्र बिंदु है। और प्रकृति यहां कौशिकी शक्ति है, अब यहां पे सत्व रज में, रज तम में और तम सत्य में, सत्व गुण में शुरू में बदल रहा है, क्योंकि स्पीड अनंत है, यहां गति की सीमा नहीं। लेकिन जहां सतोगुण रजोगुण में बदल रहा है, रजोगुण तमोगुण में बन रहा है, तमोगुण फिर सतोगुण में बदल रहा है, ये जो कोण हुआ यहां पर अवश्य ही गति में कुछ स्थिरता आएगी। इसलिए अभिव्यक्ति के लिए यहीं से चांस रहता है कि यहीं से कोई अभिव्यक्ति होगी। तो सत्व रज तम तीनों में क्रमशः रफ्तार की होड़ है। इन तीनों में सबसे अधिक रफ्तार है सत्वगुण की होती है, क्योंकि तम और रज दोनों से सूक्ष्म है सत्वगुण। इसलिए पहली अभिव्यक्ति जो हुई, पहली जहां से अभिव्यक्त हुई, यही है विश्व योनि, यही है सृष्टि का बीज, यहां से पहली अभिव्यक्ति हुई। शायद कल्पना फिजिक्स की हो, बिग बैंग की, यहीं से कि यहां से कहते हैं कि विस्फोट हुआ और शब्द ब्रह्म की सृष्टि हुई शब्द के रूप में। इसलिए सृष्टि का आरंभ हुआ शब्द से। इस पर सभी थियोलॉजी में, सभी धर्म में करीब करीब एक रूपता है कि शब्द सबसे सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, इसलिए ब्रह्म की पहली अभिव्यक्ति हुई शब्द ब्रह्म के रूप में, प्रणव या ओंकार। यही है सृष्टि का बीज मंत्र, ओम है
अ उ और म का मिलित रूप। अ है सृष्टि होने का बीज मंत्र, उ है सृष्टि के पालन का और म है सृष्टि के लय का। अ उ म सृष्टि का आरंभ यहीं से होता है। सत्व गुण अभिव्यक्त होकर, चूंकि इसकी रफ्तार सीधी है इसलिए स्ट्रेट लाइन में निकलकर पुरुष देह के ऊपर मैंपन लाया, मैंपन का बोध हुआ, मैं हूं। इसकी रफ्तार घटते ही पीछे से रजोगुण आकर पुरुष देह पर कर्ता मन का बोध कराया, मैं करता हूं, और अहम तत्व की सृष्टि हुई। रजोगुण की स्पीड के स्लो होने पर, घटने पर तमोगुण पीछे से आकर पुरुष देह पर अपना प्रभाव डालकर पुरुष देह के ऊपर अपनी छाप छोड़ा चित्त का डन आई। यहीं परमात्मा के मन का, भूमा मन का विकास हुआ। महत्तत्व अहम तत्व और चित्त से भूमा मन की सृष्टि हुई। ये मन के तीन हिस्से हैं, चाहे अणु मन हो चाहे भूमा मन हो, चित्त, अहम तत्व और महत्तत्व। अणु जीव में, मनुष्य के जीवन में महत्तत्व के प्रभाव से हमारे मैंपन का बोध होता है। मैं हूँ, अगर मैं हूं नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मन कहने का मतलब है कि हमारे अंदर सत्वगुण के प्रभाव से महत्तत्व है जिससे हमारे अपन बोध होता है। मैं हूं, मैंपन, मैं हूं तो मैं करता हूं। ये रजोगुण के प्रभाव से आदमी जो कुछ करता है प्रकृति के रजोगुण के प्रभाव से करता है, इसलिए कि उसके अंदर में करने वाले मन का बोध है, मैं करता। और जब किया तो उसका रिजल्टेंट भी आएगा। तो प्रकृति के तमोगुण के प्रभाव से जो कुछ हुआ उसका जो रिजल्टेंट आता है वो है चित्त, वो है डन आई, और उसको दर्शन की भाषा में चित्त कहते हैं। तो जैसे भूमा मन के पास महत्त्व, अहम तत्व, चित्त है, लेकिन भूमा तत्व, भूमा स्तर पर परमात्मा के मन के अंदर जो कुछ हो रहा है सब कुछ अंदर है, रिजल्ट बाहर हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे मन में जो कुछ होता है हम बाहर नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो कुछ है अंदर, हमारे अंदर हो रहा है, लेकिन परमात्मा जो करते हैं उसकी सृष्टि बाहर हो जाती है, हम बाहर करके कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोनों के मन की क्वालिटी एक है। प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से भूमा मन भी बना। अगर भूमा मन नहीं होता तो हमारा मन भी आज नहीं होता। तो एक प्रश्न यहां उठता है सृष्टि तत्व में, कॉस्मोलॉजी में, कि साइंस जिसको बिग बैंग कहता है, किस आरंभ में एक धमाका हुआ, उसका टाइम लिमिट भी करने की आज कोशिश कर रहा है, तो अगर परमात्मा का कॉस्मिक माइंड नहीं है वहां पे,
तो उस बिग बैंग का एज कौन बतला सकता है। इसलिए ये किसी रिसर्च लैब से पूर्व साबित नहीं होगा, ये किसी पावरफुल टेलीस्कोप से भी नहीं होगा। इसकी जानकारी के लिए हमको अपने मेंटल लेबोरेटरी में रिसर्च करना होगा और अपने मन को सूक्ष्म करके शब्द ब्रह्म पर सवार होकर अपने मन को सूक्ष्म करके हमको उस अवस्था में पहुंचना होगा, तभी अपने को जानकारी किसी को भी हो सकती है। आरंभ में ऋषियों ने ध्यान के द्वारा इसको जाना होगा और इसको अपने अनुभव को लिखा जो शास्त्रों के माध्यम से आज हमको ज्ञात होता है। इसलिए ये अवस्था मनसातीत है, अग्रया बुद्धि के द्वारा मन को सूक्ष्म करके उस तरंग पर बह के उस अवस्था में अनुभूत से पहुंच करके आदमी जान सकता है और योगी साधक शब्द ब्रह्म का अनुभव इसी प्रकार से करते हैं। इस प्रकार इस संचर धारा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ब्राह्मी मन की भूमा मन की सृष्टि होती है प्रकृति के सत्व रज तम तीनों गुणों के प्रभाव से। अब भूमा मन के चित्त के ऊपर प्रकृति के तमोगुण का प्रभाव लगातार हो रहा है, उस प्रभाव से भूमा चित्त के एक भाग पर प्रकृति के तमोगुण के प्रभाव से चित्त का एक हिस्सा जो और क्रूड हो गया, चित्त नहीं रहा। जैसे चना गेहूं या कोई अनाज मॉइस्चर पाकर के मिट्टी पाकर और उसके एक हिस्से पर कहीं से अंकुर निकल आता है, अंकुर दिख गया और हिस्सा चना ही रह गया। ठीक उसी प्रकार से कॉस्मिक माइंड के हिस्से चित्त पर के एक पोर्शन पर प्रकृति के तमोगुण के प्रभाव से वो सूक्ष्म से स्थूल हो गया और ऐसा स्थूल हो गया जिसको कहेंगे ये चित्त नहीं है, वो चना नहीं है, अंकुर है, वो दूध नहीं है, वो दही है, वो हिस्सा। और जिसमें शब्द भ्रमण करने लगा उसको आकाश कहते हैं, यही प्रथम आकाश की रचना का सिद्धांत है कि भूमा चित्त का एक हिस्सा प्रकृति के तमोगुण के प्रभाव से आकाश का रूप धारण कर लिया। लगातार आकाश के एक हिस्से पर, वैसे तो उसके पूरे हिस्से पर प्रकृति के तमोगुण का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन आकाश का एक हिस्सा जिस पर तमोगुण का प्रभाव अधिक पड़ गया वो केवल उसमें शब्द नहीं पास हो रहा है, स्पर्श भी आ गया। इसलिए वो आकाश नहीं रहा, वो हिस्सा आकाश का एक हिस्सा जिसमें स्पर्श आया उसको वायु कहते हैं। इसलिए दूसरे तत्व की सृष्टि हो गई। प्रकृति के तमोगुण का प्रभाव लगातार बना हुआ है क्योंकि पीछे से फोर्स तो आ ही रहा है परम शिव से शब्द ब्रह्म के रूप में, क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल होने की यह प्रक्रिया है।